हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आलू और टमाटर का डोसा बनाने वाले हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने आलू को छील के, कच्चे आलू को छील करके इस तरह से टुकड़ों में कट कर ली हूँ। दो हरी मिर्च लिया है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा तीखा कर सकते हैं। ये एक टमाटर लिया है, इसको भी हमने रफली चॉप करके लिया है। और बाकी इधर हमने मसाले कुछ लिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, थोड़ी सी हमने जीरा लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, जो कि डोसे को अच्छा सा कलर देगा। इसके लिए हम यूज करेंगे कुकिंग ऑयल, आप चाहे तो उसके जगह पे बटर का यूज कर सकते हैं। ये हमने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, एक पाउल बारीक रवा लिया है। अगर बारीक नहीं है फ्रेंड्स, तो इसे आप मिक्सर में एक बार ग्राइंड कर लीजिए, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा बारीक हो जाए। एक पिंच हींग, थोड़ी सी कटी हुई धनिया, धनिया पत्ती, और दो बड़े चम्मच हमने दही लिया है। तो इन सब को साइड करते हैं, आगे का प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हरी मिर्च को डाल देंगे, ये आलू, टमाटर, इन सबको पीस करके थोड़ी सी पानी डालेंगे जरूरत के हिसाब से, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। डाल करके इन्हें हम पीस करके रेडी कर लेते हैं। ये इस तरह से काफी अच्छा सा पीस करके रेडी हो गया है, इस तरह से एकदम ही हमने स्मूथली पीस लिया है। एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें हमें शिफ्ट करना है। उसके बाद ये जो हमने रवा लिया है उसे डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा डोसा बन करके रेडी होता है फ्रेंड। ये दही, दही से काफी अच्छा टेस्ट आता है और सॉफ्ट भी बनेगा आपका डोसा। ये प्याज, प्याज आप जिस हिसाब से खाते टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम ज्यादा प्याज ले सकते हैं। धनिया, हींग और अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के अनुसार नमक और ये कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा, इन सबको मिलाकर एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेना है। ये एक तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे क्या करते हैं, ढक करके कम से कम 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये सूजी अच्छे से फूल कर रेडी हो जाए। उसके बाद अगर ये गाढ़ा रहेगा तो पानी का हम यूज करेंगे। इसे 10 मिनट हो गया है, देखिए अच्छा सा सूजी फूल करके रेडी हो गया और ये गाढ़ा लग रहा है, बहुत ही गाढ़ा है इसे डोसा बनाने के लिए। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा पतला सा बैटर, ज्यादा पतला नहीं, बस डोसा का बैटर जैसा रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये बैटर रेडी हो गया। इधर हमने तवा गरम होने रख दिया है, तवा गरम हो गया है, इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, एक ब्रश की सहायता से इसे हेल्प से पूरे में ऑयल फैलाना है। डालते समय बैटर को हाई फ्लेम में ही रखें, ताकि तवा अच्छे से गरम हो जाएगा, तो फिर डोसा बनाने में बढ़िया सा रेडी होगा। तो इस तरह से हम लेंगे, इस तरह से हल्के हाथों हमें फैला देना है डोसा को। ज्यादा पतला ये डोसा नहीं बनता है फ्रेंड, तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए हल्के हाथ से, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और देख सकते हैं कि बनाने में हमें टाइम भी नहीं लगा। ये देखिए, ये डोसा का ऊपर का जितना भी कच्चापन है वो खत्म हो गया। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से
अप्लाई करके ब्रश से थोड़ा सा इस तरह करना है हमें। देख सकते हैं नीचे का तला आराम से छोड़ दिया, इसे पलट लेंगे और इधर से भी हमें क्रिस्प कर लेना है। दोनों तरफ से क्रिस्प करके रेडी कर लेते हैं। ये दोनों साइड से अच्छा सा देख सकते हैं सिक गया है, कलर भी बहुत सुंदर आया है और सिक के रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, ये हमने चीज क्यूब लिया है, आराम से इस पे आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप स्प्रिंकल कर दीजिए। बच्चे बहुत पसंद करते हैं अगर इस तरह से उनको चीज डाल करके बना करके मिले तो। इसे हमें हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा फैला देंगे और इसका एक तरीका है, इसे हम नॉर्मली आराम से ऐसे फोल्ड करके इस तरह से, जिससे कि चीज अंदर अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा और बढ़िया भी लगेगा। तो देखिए ये बन करके रेडी हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में इस तरह। तो दूसरा भी हम डोसा बना करके आपको दिखाएंगे, ये बहुत बढ़िया बना है फ्रेंड, टेस्टी भी है। तो इस तरह से हल्का सा ऑयल डाल के इस तरह हमें अप्लाई करना है, एक्स्ट्रा ऑयल हमें पोंछ लेना है। बैटर लेंगे इस तरह से, हल्के हाथों हमें फैलाते हुए डोसा को फैला लेना है। ये ज्यादा बड़ा नहीं बनाए, ये तो ये पलटने में टूटने लगता है, तो इसी हिसाब से इस तरह से डोसा बना करके जिस तरह से पहले वाले को हमने पलट करके क्रिस्प किया था उसी तरह से इसे भी बना कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए काफी अच्छा सा हो गया है, ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर चीज को हम ग्रेट कर देंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए इस तरह से चीज को फैला देंगे और आराम से इसे हम इस तरह से हल्के हाथों दबा देंगे। ये बहुत टेस्टी लगेगा जब आप इसे ट्राई करेंगे। देखिए काफी अच्छा सा बनकर रेडी हो गया, देखने में भी सुंदर और टेस्टी तो है ही। इसे आप दही के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।